हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम निशा अरोड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बैक फैट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। जिन लोगों की ब्रा के साइड पे यहाँ पर पीछे की तरफ बैक फैट होता है, या जो लव हैंडल्स होते हैं लव हैंडल्स के पीछे यहाँ पर बैक में फैट होता है, उसके लिए आज हम करेंगे कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है। इन एक्सरसाइजेस को कर आप बहुत ही आसानी से अपने बैक फैट को खत्म कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी विंटर्स आ रही है, विंटर्स के दौरान ज्यादातर मैंने लेडीज को कहते हुए सुना है कि उनकी बैक में पेन होता है बहुत ज्यादा, स्पेशली अपने बेबी को डिलीवर करने के बाद। हम लोग क्या करते हैं, हम प्रॉपर डाइट तो लेते नहीं है, जो भी किसी ने बोला हमने वही खा लिया। आजकल अपने आपको फिट रखने के चक्कर में गलत डाइट का इस्तेमाल हम करते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली लेडीज के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बैक पेन की, कमर में दर्द हो रहा है, फिर ना झुक के काम किया जाता है, ना कोई और घर के काम किए जा सकते हैं। जब आप खुद फिट नहीं हो तो फिर बच्चों को और हस्बैंड को कैसे संभालोगे, ये सारी चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे डाइट प्लान्स वगैरह बनवाते हैं, उन लोगों की भी जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मैंने बहुत सारी लेडीज के साथ देखा है कि उनके बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए आज का ये वीडियो हम शूट करेंगे बैक पेन प्लस बैक फैट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइजेस के लिए। ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा, जिन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने बैक के पेन को, स्पेशली जो यहाँ वाला पेन होता है, जो आप लोगों के यहाँ पे पेन रहता है, इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ कंधों के नीचे जो पेन रहता है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, और साथ में अगर आपके बल्जेस हैं ब्रा फैट के या बैक फैट के, तो वो भी आपका बहुत अच्छा खासा आपका बैक फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। इसके साथ साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर जाइए मुझे फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस डालती हूं, और सिर्फ मेरी एक्सरसाइजेस को ही करके लोगों ने बहुत अच्छा खासा जो अपना फैट है और वेट है वो रिड्यूस किया है। यहां पर जाकर आप मेरे क्लाइंट्स के रिव्यूज देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने थायराइड को ठीक किया, पीसीओडी को ठीक किया, इवन यहां तक कि जिन लोगों को और भी बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी, किसी को हेडेक रहता था, किसी को बैक पेन रहती है, या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी में आयरन की कमी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रॉपर डाइट के साथ ठीक की जा सकते हैं। तो आप जो भी एक्सरसाइजेस करें उसके साथ डाइट जरूर अच्छी लें, एक बात का ध्यान ये जरूर रखें, और अपनी एक्सरसाइजेस करते टाइम हमेशा कंसंट्रेशन के साथ एक्सरसाइजेस करें, तभी आपकी बॉडी आपको रिजल्ट देती है। और किसी भी चीज को अगर अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए अपनी बॉडी में, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आप कोई भी एक्सरसाइजेस करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, ये नहीं कि एक दिन कर दिया दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन हेल्दी लाइफस्टाइल है दूसरे दिन गलत लाइफस्टाइल पर आ गए। इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी शुरू हो जाती हैं, और कभी कभी तो इतनी सिवियर कंडीशन आ जाती है कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। तो आप जाकर ये रिव्यू जरूर मेरे क्लाइंट्स के देखेगा, कैसे इन्होंने हेल्दी डाइट और सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ अपनी बॉडी की हर प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, और वहां पर अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस देकर अपना वेट रिड्यूस कीजिए। और जो लोग मेरी एक्सरसाइजेस के थ्रू अपना अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर चुके हैं, लाइक किसी ने 24 केजी किया है, किसी ने 30 केजी भी किया है, और किसी ने 8 केजी किया है, 10 केजी किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जो पिक्चर्स हैं वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम जरूर करें। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी पिक्चर्स देखिए, अगर मेरी एक्सरसाइजेस से आप अपना अच्छा खासा वेट रिड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहली एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है, अपने पैरों के बीच में आपको कोई गैप नहीं रखना, इस तरह से पैरों को आपने जोड़ लेना है, और आपके हाथ होने चाहिए सामने की तरफ। इस तरह से अपने हाथों को रखते हुए आप अपने हाथ को बिल्कुल पैर के साथ टच करें, और 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, एंड देन बैक वापिस आए, और अपने हाथों को पीछे की तरफ बैक पे प्रेशर दें, आगे लाएं एंड मूव टू नेक्स्ट साइड। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा आपका बैक पेन तो ठीक होगा, बैक फैट भी रिड्यूस होगा, और साथ ही साथ आपके लव हैंडल्स पे भी एक्सरसाइज काम करेगी, और अच्छा खासा आपका जो लव हैंडल्स का फैट है वो रिमूव हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 4 sets 15 रेपिटेशन के साथ, लेकिन ध्यान रखिए आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और जब भी आप पीछे की तरफ जाएं आपकी चेस्ट आगे की तरफ मूव होनी चाहिए, और आप जब भी झुके तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रेस फील होना चाहिए, जिससे यहाँ का फैट भी जाएगा, और जब आप पीछे की तरफ स्ट्रेस देंगे तो आपकी बैक का पेन भी ठीक होगा और आपके ब्रा बल्जेस भी खत्म होंगे।
सेकेंड एक्सरसाइज के दौरान आपको पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और गैप रखते हुए आपको स्ट्रेट अपने हाथों को ऊपर लेकर जाना है और बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ झुकना है। जब नीचे की तरफ झुके हाथों को टर्न करें और बैक की तरफ इस तरह से पुश करें। इस एक्सरसाइज के आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जब आप अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका जो टमी फैट है, जो जिन लोगों का ऊपर की तरफ पेट बड़ा हुआ होता है, एक तो वहां पे स्ट्रेस आएगा, लोअर टमी पे स्ट्रेस आएगा, तो आपका एक तो पेट कम होगा, क्योंकि जब आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपकी यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, जैसे कि यहाँ का फैट भी रिड्यूस होगा। जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं, नीचे झुकते हुए बिल्कुल आपकी कमर स्ट्रेट होगी, आपका बैक पेन ठीक होगा, और जब आप इस तरह से पुश करेंगे तो आपके शोल्डर्स और आपके बैक का जो फैट है वो अच्छा खासा रिड्यूस होगा। तो इस एक्सरसाइज के आपको लगाने होंगे 4 sets 50 repetition। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो आज की हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी उसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए इस तरह से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएंगे। सिर्फ इतना ही आपको झुकाना है, आपकी ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ध्यान रखिए आपकी बैक पीछे की तरफ पुश होनी चाहिए और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से आपको मूव करना है। ईच साइड आपको 15 सेकंड करना है, मीन 15 रेपिटेशन लगाने हैं, 15 राइट हैंड एंड 15 लेफ्ट हैंड। तीन सेकंड लगाने के बाद आपको अपने हाथों को सीधा ऊपर ले जाना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। देन आप सीधे हो, 5 सेकंड का अगेन गैप ले, 1 2 3 4 5, अगेन अपनी पोजीशन में आए, बीच बीच में सांस लेते रहे। अगेन हाथों को नीचे लाएं, ऊपर लेके जाएं और 5 सेकंड के लिए होल्ड रखें। यहां पर मैंने आपको लगाकर दिखाए हैं 2 sets 15 15 repetition के। ईच साइड मींस राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दोनों तरफ आपको 15-15 सेकंड ही करने हैं और ये भी आपको 4 sets लगाने रहेंगे 15 repetitions के साथ। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि रहेगी आज की हमारी 4th exercise। तो आज की जो 4th exercise हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल पोज। इसके लिए आपको पोस्चर प्लीज ध्यान से देखना होगा, आपको अपने लेफ्ट जो लेग है उसको बिल्कुल सामने की तरफ रखना है और राइट लेग में इतना गैप लाते हुए अपने पैर का जो फेस है वो उस तरफ होना चाहिए और इस तरह से अपने पैरों के बीच में गैप रखते हुए अपने हाथों को स्ट्रेट ऊपर लेकर जाएं और नीचे की तरफ इस तरह से झुकें। जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर भी स्ट्रेस फील होगा, यानी यहाँ पर आपको पेन फील होगा, यहाँ पर लव हैंडल्स कम करेगा, साथ ही साथ आपको बैक पेन में अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा और यहाँ से जो आपके ब्रा बल्जेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जितनी देर आप होल्ड रख पाएं, मैं कम से कम यहाँ पे 2 या 3 मिनट होल्ड रख पाती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे 2 या 3 मिनट होल्ड नहीं होगा, आप 10 सेकंड से स्टार्ट करें, देन ऊपर आए, 1 सेकंड के लिए सांस लें एंड देन अगेन नीचे जाएं। कुछ ही दिनों में इन सभी एक्सरसाइजेस को करके
आपकी बैक पेन में आपको अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा, आपकी बॉडी की जो शेप है बहुत अच्छी हो जाएगी, लव हैंडल्स खत्म हो जाएंगे, ब्रा बल्जेस खत्म हो जाएंगे और आपको खुद बहुत अपने जो कपड़े आप पहनते हैं, जो पुराने कपड़े अगर आपको फिट आ जाएंगे तो आपको खुद को बड़ी खुशी होने लगेगी कि मुझे जो अचीव करना था मैंने वो अचीव कर लिया, और वो भी बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी तरफ। अगेन इस पैर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इसमें आपका इस तरह से गैप होना चाहिए एंड आप दूसरी तरफ झुकेंगे। ऊपर आते हुए सांस छोड़ें। जितना ज्यादा आप झुक पाए आपको उतना ज्यादा झुकना है ताकि आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी इन एक्सरसाइजेस से मिले। और आपको इस एक्सरसाइज के लगाने होंगे 4 sets 15 repetitions each side। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको एक मैट की जरूरत पड़ेगी। आपको एक मैट पे बिल्कुल सीधे इस तरह से लेट जाना है और आपके पैर जो है, आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होने चाहिए, इस तरह से झुके हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपके पंजे स्ट्रेट होने चाहिए। आपको हाथों को लेकर जाना है पीछे की तरफ और ऊपर उठते हुए अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है, देन कम बैक। इस एक्सरसाइज को आप जब भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पेन फील होगा हल्का हल्का, जबकि ये जो पेन है आपके पेन को रिलीफ ही दिलाएगा। तो इसे आपको डरना नहीं है कि मुझे यहाँ पेन क्यों हो रहा है। जब आपको पेन होगा इट मीन्स आपका दर्द बाहर आ रहा है और आपको बैक पेन से यहाँ पर एक तो काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा, साथ ही साथ जिन लोगों के यहाँ पर फैट होता है उनका फैट रिमूव होगा यहाँ का, साथ में आपका इस एरिया का जो ब्रा बल्जेस है और कमर के बैक में जो फैट होता है वो भी अच्छा खासा रिड्यूस होगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहेगी उसका नाम है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है और सीधे लेटते हुए अपने हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ अपने लेग्स के साथ जोड़ना है और अपने पैरों को इस तरह से रखते हुए इन दोनों पैरों के बीच में आपका गैप होना चाहिए और आपके हाथ आपके ये जो एड़ी है इसके साथ टच होनी चाहिए और बॉडी को आपको उठाना है ऊपर की तरफ। होल्ड रखिए 5 सेकंड के लिए, आराम से नीचे लाइए। आपको नीचे टच नहीं करनी अपनी बॉडी, ये ध्यान रखिएगा, आपको मैट के साथ टच नहीं करनी। देन अगेन आप
4 sets, 50 repetitions. मैंने ज्यादा repetitions आपको बिल्कुल भी नहीं दी है, मैंने आपको हर एक्सरसाइज में 4 sets, 50 repetitions ही दिए हैं, क्योंकि सिर्फ 50 repetitions भी अगर आपने कंसिस्टेंसी में रोज लगाई और इसके साथ आपने पूरे कंसेंट्रेशन के साथ ये एक्सरसाइजेस की, तो कुछ ही दिनों में विद इन 10-15 डेज के अंदर ही आपका अच्छा खासा फैट भी रिड्यूस होगा, आपका वेट भी कम होगा, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर टर्नअप हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके जो बैक पेन है आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप 15 रिपीटेशन भी लगाते हैं और 4 सेट्स भी लगाते हैं तो भी आपकी बॉडी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें अगर अपना वेट कम करना है तो बॉडी को बहुत ज्यादा थकाना होगा तभी हमारा वेट कम होगा। मेन रोल होता है हमारी डाइट का, अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हम कोई भी एक्सरसाइज करें हमारा वेट जरूर और जरूर रिड्यूस होगा। हाँ, कुछ पर्टिकुलर बॉडी एरियाज के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। लाइक अगर हमारी ब्रेस्ट ढीली है तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, अगर हमारे थाइस पे फैट ज्यादा है तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से अगर हमारे बैक पे फैट है तो ये सारी एक्सरसाइजेस रहेंगी बैक की और आपके ब्रा बल्जेस की, ताकि आपका अच्छा खासा फैट जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। आज की एक्सरसाइज रहेगी कोबरा पोज एक्सरसाइज। इसके लिए आप जमीन पर उल्टा लेट जाएं, अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास इस तरह से रखें और धीरे धीरे अपने अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएं और यहाँ पर लाकर थोड़ी देर के लिए आप होल्ड रखें, 5-10 सेकेंड्स जितनी देर भी आप रख पाएं। ऊपर की तरफ देखें, फिर धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लाएं। ध्यान रखें जब आप अपनी बॉडी को उठाएं तो आपकी बॉडी का वेट आपके हाथों के इस एरिया में होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी बॉडी को उठाएं, ना कि उंगलियों के सहारे। इस तरह से आपको अपनी बॉडी को उठाना है और जब आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर हल्का हल्का पेन और आपको दबाव फील होगा, जिससे कि आपका फैट भी रिड्यूस होगा और आपकी बैक पेन में आपको अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का एक फायदा ये भी है कि जिन लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा फैट है, डबल चिन रहती है, तो उनके इस एरिया से भी फैट रिमूव होगा, उनकी डबल चिन खत्म करने में के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और यूनिक एक्सरसाइज है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम था कोबरा पोज। इसके आपको सिर्फ 3 सेट्स लगाने हैं, 10 रिपीटेशन के, आपको 15 नहीं लगाने और 4 सेट्स नहीं लगाने। तो इसके आपको सिर्फ 3 सेट्स लगाने हैं 10 रिपीटेशन के। याद रखिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिर्फ 7-10 दिनों के अंदर आपको खुद इफेक्ट फील होगा कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। और साथ में विंटर्स में थोड़ा सा वार्म कपड़े पहनकर एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी बॉडी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हेल्दी डाइट जरूर लें और अपनी डाइट में सर्दियों में स्पेशली गाय का देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे वो आप उसकी पिन्नी बना के खाएं या आप उसको दाल या सब्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में इसके साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा खासा वेट जो है वो रिड्यूस होगा। 1 महीने के अंदर आप बहुत आराम से 8-10 किलो तक का वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू।